नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK एग्रीटेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम अपने ज़मीन, अपने खेत, अपने बाड़े, अपने घर पर कहीं पर भी अगर ट्यूबवेल बोरिंग करवाना चाहते हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वो कौन सी सावधानियाँ हैं जो हमें रखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को ज़्यादा पैसों का नुकसान होने से हम अपने आप को खुद को बचा सके। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें बताने वाला हूं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। मैं बहुत ही ज़रूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें धरती के अंदर पानी की, तो जिस प्रकार से हमारा शरीर बना हुआ होता है, जितने परसेंट पानी से हमारा शरीर बना हुआ होता है, उतना ही परसेंट पानी जो है धरती के अंदर मौजूद होता है। कुछ पानी जो होता है धरती के ऊपरी परतों में होता है, जिसे हम अपने ट्यूबवेल बोरिंग के जरिए बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ पानी बहुत नीचे होता है जिसे हम कभी भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन धरती के अंदर लगभग 70% पानी मौजूद होता है। दोस्तों, जैसे हम बाहर किसी बड़े पेड़ को देखते हैं, जिस प्रकार से आप इस पेड़ को यहाँ पर देख पा रहे हो, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी शाखाएँ भी हैं, छोटी छोटी शाखाएँ भी मौजूद हैं, उसी प्रकार से ज़मीन के अंदर भी पानी बहता है। किसी किसी परत में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, उससे अलग शाखा निकल जाती है, उसमें कम पानी होता है, कहीं पर दो पानी एक साथ मिल जाते हैं तो ज़्यादा पानी बन जाता है। तो ऐसे ही पेड़ की शाखाओं के जैसे भी धरती के अंदर पानी बहता है, तो उन्हीं को जो है हम अलग अलग विधि के जरिए जो है पॉइंट को फिक्स करते हैं और फिर वहाँ पर हम जो है ट्यूबवेल बोरिंग लगवाते हैं। अलग अलग प्रकार की विधियाँ होती है, जिसमें दो विधियाँ जो होती हैं, नारियल विधि और यल रोड मेथड विधि, जो तांबे की बनी रोड होती है यल आकार की। ये विधियाँ जो हैं, दोनों विधियाँ जो हैं लगभग लगभग पूरे भारत के अंदर काफ़ी प्रचलित हैं और हर जगह पर जो हैं इन्हीं से जो हैं पॉइंट को फिक्स किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने अपना जो पॉइंट है वो अगर आपने फिक्स कर लिया है और उसी जगह पर जो है आप अब जो है बोरिंग लगाने वाले हो, ट्यूबवेल करवाने वाले हो, तो आपको जो है कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे जो पहली चीज़ होती है कि ज़मीन के अंदर कौन सी परत में पानी की संभावना ज़्यादा होती है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो सफ़ेद पत्थर जो होता है ज़मीन के अंदर, आप जब ट्यूबवेल बोरिंग करवा रहे हो तो उसकी जो कटिंग है, अंदर से जो कटिंग निकलेगी वो कुछ सफ़ेद आकार की होती है और जो धुआं बाहर निकलता है वो भी हल्का सफ़ेद आकार में होता है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का जो पत्थर अगर आपको आपकी कटिंग में, आप जब बोरिंग लगवा रहे हो उस कटिंग में आपको मिल रहा है, तो वहाँ पर पानी के चांसेस 90% होते हैं कि अगर आपका जो कटिंग आ रही है अंदर से वो अगर सफ़ेद है, उसका जो धुआँ है वो सफ़ेद है, तो आप जो है बोरिंग को चालू रखवाइए, अंदर हो सकता है कि आपको पानी मिल सकता है। दूसरी चीज़ होती है जो काला धुआं निकलता है, जो अंदर की जो कटिंग आती है वो बिल्कुल राख के प्रकार की आती है, बिल्कुल उसमें जो कटिंग है बहुत कम आती है, लेकिन राख ही राख काला धुआं जो बाहर निकलता है, जो काली परत आ जाती है, उसमें पानी की जो संभावना होती है वो बेहद ही कम होती है। तो ऐसे में अगर आप बोरिंग करवा रहे हो और अगर आपकी जो कटिंग आ रही है अंदर से वो बिल्कुल राख के जैसी आ रही है, बिल्कुल काली काली आ रही है, तो आप सोच समझ कर आगे बोरिंग को चालू रखवाइए, क्योंकि ऐसी परतों में जो है पानी की संभावना बिल्कुल ही कम होती है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जो हर किसान भाई को या कोई भी अगर अपने ट्यूबवेल बोरिंग करवा रहे हैं तो उसको ध्यान देनी ही चाहिए। होता क्या है कि जब भी हम बोरिंग करवाते हैं, जब जो बोरिंग मशीन होती है वो अपने पॉइंट पर आकर फिक्स हो जाती हैं, उसके दो जैक आगे के होते हैं, दो जैक पीछे के होते हैं, चारों जैक पर उसके नीचे लकड़ी का सपोर्ट लगा के जैक पर उसको खड़ा कर दिया जाता है। हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं किसान भाइयों की मशीन चलने के बाद जब उसमें कंपन होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है, तो उस जैक के नीचे जो ऊपरी परत की जो मिट्टी होती है, जो 4-5 इंच की मिट्टी होती है, वो मिट्टी बेहद ही नरम होती है और उस कंपन की वजह से वो मिट्टी जो है इधर उधर खिसक जाती है और बहुत सी जगह पर ऐसे चांसेस मिलते हैं कि जो मशीन के जो जैक होते हैं वो 1.25 इंच जो है टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं, और वो 1.25 इंच जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो अंदर जाकर बहुत ही ज़्यादा आपका जो पॉइंट है वो अलग साइड पर चला जाता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको यही ध्यान रखना होगा कि जब भी आप
ट्यूबवेल बोरिंग करवा रहे हो, मशीन आपके वहाँ पॉइंट पर आ चुकी है जहाँ पर उसके जैक लगने वाले हैं, तो वहाँ पर जो ऊपर की जो मिट्टी है 4-5-6 इंच की मिट्टी जो बिल्कुल धूल के आकार की होती है, बिल्कुल नरम मिट्टी होती है, आप उसको पहले ही हटा लें वहाँ से। उसके बाद वहाँ पर आप अगर जैक लगवा रहे हो और उस जैक के नीचे जो सपोर्ट लगा रहे हैं वो सपोर्ट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल पतला सपोर्ट नहीं होना चाहिए। पतला सपोर्ट होगा तो वो अंदर जाने की उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं मिट्टी के अंदर धंसने के। अगर वो ज़्यादा चौड़ाई में होगा तो वो अंदर नहीं धंसेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपका जो पॉइंट है वो सीधा जाए, वो टेढ़ा मेढ़ा ना जाए, क्योंकि जहाँ पर हम पॉइंट फिक्स करवाते हैं पॉइंट बिल्कुल सीधा फिक्स होता है। तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो मशीन है उसका जो हैम्बर है वो भी सीधा ही जाना चाहिए, तभी जो है वहाँ पर पानी मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई, इनको आप ध्यान में रखकर जो है अपना बोरिंग करवाइए, अपना पॉइंट लगवाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं वो आपके बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान को भी बचा सकती हैं, अगर ये सावधानियाँ अगर आप रखते हो तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।